रिकॉर्डिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका दोस्त निखिल आपके लिए एक नया ब्लॉग लेके आया है आपके अपने चैनल फैशन विद ट्रैवल पे। दोस्तों, इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे एक्सपल्स 200 में मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशन कराए हैं। इसके रिगार्डिंग जल्द ही वीडियो आने वाला है, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि मेरा अगला नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। साथ ही साथ मेरे पुराने वीडियोस को भी जाके वॉच आउट कीजिए, उसमें भी काफ़ी अच्छे कंटेंट मैंने बनाने की कोशिश किया है। ये जो चैनल है मेरा नया नया चैनल है, मुझे उतना ब्लॉगिंग के बारे में आइडिया नहीं है, बट दोस्तों से इंस्पायर होकर और उनके गाइडेंस के अंडर मैं ये कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने जितनी सहूलत दी है उसमें लोग सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। जॉब वाले अपने जॉब पे फोकस कर रहे हैं और जो व्यापार करने वाले लोग हैं वो व्यापार पे ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये लॉकडाउन जल्दी से जल्दी ख़त्म होकर रेगुलर लाइफ शुरू हो जाए ताकि लोगों का जितना भी नुकसान हुआ है वो सब रिकवर होने में मदद हो। तो दोस्तों, गाड़ी के मॉडिफिकेशन की बात अगर करें तो इसमें मैंने हैंडल बार लाइट लगाया है जिसमें इंडिकेटर टर्न बाय टर्न शुरू होता है, डे लाइट भी उसमें वाइट कलर का जलते रहता है। सेकेंड, उसमें मैंने फॉग लाइट लगवाए हैं। फॉग लाइट जो है वो मैंने ब्रांडेड कंपनी के लगाए हैं, उसके बारे में मैं आपको मॉडिफिकेशन के वीडियो में ब्रीफ कर दूंगा। साथ ही साथ मैंने इसमें हॉर्न चेंज करवाया है, एक हाईवे के हिसाब से जो हॉर्न चाहिए था मुझे वो मैंने इसमें फिट कराया है, जो ज़्यादा लाउड भी नहीं है और डिसेंट है। साथ ही साथ मैंने इसमें साड़ी गार्ड, मतलब लेडीज़ लोगों को अगर कभी बैठना पड़ा तो उसके लिए उनका फुटरेस्ट जो होता है वो मैंने इसमें इंस्टॉल कराया है। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, एक हाईवे राइडर के लिए जो ज़रूरी होता है वो होता है हज़ार्ड लाइट। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि चारों इंडिकेटर को शॉर्ट कर एक स्विच लगा देते हैं और चारों इंडिकेटर एक साथ ब्लिंक होता है। मैंने भी मेरे पुरानी गाड़ी में यही करवाया था क्योंकि ये सबसे सिंपल और सस्ता पड़ता है। तो बस दोस्तों, आज के इस व्लॉग में यही सब बताना था। इन सभी चीज़ों को मैंने शॉर्ट में जो समझाया है उन्हीं का एक बड़ा वीडियो बनाकर मैं जल्द ही आपके सामने पेश कर दूंगा। तो दोस्तों, आपका इतना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत ही शुक्रिया, धन्यवाद तहे दिल से। और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका यही सपोर्ट दोस्तों हमें आगे के वीडियो बनाने में मदद करता है और इंस्पायर करता है। दोस्तों, साथ ही मुझे ये जानने में काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता हो रही है कि आपको इस वीडियो की कैप्चर क्वालिटी कैसे लगी। ये वीडियो जो है मैंने सेना टेंसी ईवो से शूट किया है, इसकी वीडियो क्वालिटी के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इसकी वीडियो क्वालिटी पसंद आई दोस्तों तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ। इसे यूज़ करते हुए मुझे लगभग अभी 8 महीने हो चुके हैं और इसे यूज़ करना बहुत आसान है। इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ म्यूज़िक लिसनिंग का भी ऑप्शन है। और दोस्तों, सबसे बढ़िया फीचर जो मुझे इसमें लगा है वो अपने फ़ोन के ब्लूटूथ से इस डिवाइस को पेयर कर हम फ़ोन पर बात कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, ये एक इंटरकॉम डिवाइस भी है, तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करके हम अदर राइडर्स के साथ इसको पेयर कर सकते हैं और आधे किलोमीटर तक की दूरी पर ये सपोर्ट करता है कि इंटरकॉम पेयर डिवाइस से हम बात कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ये सपोर्ट करता है मेमोरी कार्ड 32 GB, 64 GB, 128 GB तक का। फ़िलहाल तो मैं 32 GB मेमोरी कार्ड ही यूज़ कर रहा हूँ इस डिवाइस में, क्योंकि मैं जब भी रिकॉर्ड करता हूँ उसको अनलोड कर लेता हूँ अपने लैपटॉप पे और ये मेमोरी कार्ड फिर से फ्री हो जाता है अगली रिकॉर्डिंग के लिए। ये डिवाइस दोस्तों 4K तक का रिकॉर्ड करता है। ओहो, आपका दोस्त ट्रैफिक में अटक गया। तो दोस्तों,
आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ये वीडियो में दोस्तों कट के अलावा कोई भी फिल्टर यूज़ नहीं किया है और इस वीडियो की क्वालिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। तो दोस्तों इस वीडियो का अंत यही करता हूँ। मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।